आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खंडवा से नरेंद्र पटेल कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। पार्टी ने जिस उम्मीद से प्रत्याशी बनाया उस पर खरा उतरूंगा, नरेंद्र पटेल। सनावत, पिछले 8 दिनों से खंडवा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर आ रही ऊहापोह की स्थिति शनिवार को साफ हो गई और कांग्रेस ने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल को खंडवा लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने यहां पर जातिगत लाभ को ध्यान में रखते हुए पटेल को प्रत्याशी बनाकर भाजपा से मुकाबला करने की तैयारी कर ली। इंडिया न्यूज से चर्चा में श्री पटेल ने बताया कि पार्टी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरूंगा और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर कांग्रेस विजय होगी। पटेल के नाम की घोषणा होते ही खरगोन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से पटेल का स्वागत करते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। एक सप्ताह से लोकसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी नागरिक इंतजार कर रहे थे, वहीं आज खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार चुना है। किस तरीके से चुनाव में लक्ष्य रहेगा और कैसे कांग्रेस विजय हासिल करेगी? निश्चित तौर से जो कांग्रेस पार्टी ने और हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भाई राजनारायण सिंह जी और भाई यादव जी ने जो मेरा नाम देखकर मुझे प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस उम्मीद से मुझे उम्मीदवार बनाने का प्रयास करूंगा और इन नेताओं के नक्षत्र छाया में रहकर अपना चुनाव प्रचार करूँगा। माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपरीत, इसको लेकर किस तरीके से रणनीति? देखो, ये आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम माहौल जो नेगेटिव आप बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ आप जैसे पत्रकार, आप पत्रकार जैसे लोगों का ये रहता है कि न्यूज़ चलाते हैं तो एक तरफ पर न्यूज़ चलाते हैं। अगर सत्य बात अगर कभी आप बाजार में लेकर टीवी चैनल पर अखबार के माध्यम से लेकर आए तो जनता का आपका दायित्व होता है। चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, चौथा स्तंभ है और वो चौथा स्तंभ को जनता को सही बात लेकर आने का प्रयास ये आपका कार्य रहता है। अगर कोई राजनेता या कोई शासन प्रशासन गलत काम करता है तो उसको बाजार में लाने का काम आप लोगों का रहता है। अगर निष्पक्ष बातें अगर आप लाओगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का खराब समय चल रहा है। माहौल बनाया जा रहा है चुनाव को जीतने, हमारी योजनाएं 5 योजना के तहत हम चुनाव लड़ेंगे और ख़ास तौर पे एक बात कह रहा हूँ कि निमाड़ के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं निमाड़ का नेताओं के साथ में रहा हूँ और निमाड़ में जो विकास हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस का प्रशासन जब जब रहा है और कांग्रेस के सांसद जब जब रहे हैं तब तब कांग्रेस का निमाड़ का विकास हुआ है। चाहे आप ओंकारेश्वर डैम ले लो, चाहे पुनासा डैम ले लो, चाहे पेपर मिल नेपाठी ले लो, चाहे ब्रांडपुर की मिल ले लो, कपास अपनी रुई की मिल, चाहे आप NTPC के कारखाने सेल्दा का ले लो, सिंगाजी महाराज का ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज ले लो, खंडवा की पेयजल व्यवस्था नर्मदा पाइपलाइन का ले लो, 200 बिस्तर अस्पताल खंडवा का ले लो, ये सब कार्य जितने बड़े बड़े विकास है और जनता के हित के लिए होते हैं ये कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में।